दोस्तों किसान भाई लोगों के लिए मोदी सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया कैबिनेट बैठक में। दिवाली से पहले सरकार ने किसानों को ये बड़ा तोहफा दिया है और वो ये कि खाद पर सब्सिडी को मंजूरी दी है। जी हां, सरकार ने फर्टिलाइजर के रेट तय कर दिए हैं। रबी के सीजन में यानी अभी जो गेहूं वगैरह की फसलें बोई जाएगी, गेहूं जो इस सीजन में 12 करोड़ किसान भाई लोगों को सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। कुल 22,303 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि सरकारी खजाने पर इसका बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार फर्टिलाइजर्स की कीमतों को कम रखने के लिए ये हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की है। आइए देखते हैं ऐसे में किसान भाई लोगों को किस तरह से खाद पर यूरिया डीएपी वगैरह पर सब्सिडी का फायदा मिल पाएगा और कितना कितना फायदा मिलेगा। तो किसान भाई लोगों के लिए पीएम मोदी का ये गिफ्ट जो है बहुत ही शानदार है। फर्टिलाइजर सब्सिडी को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। उर्वरक पर कुल 22,000 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब डीएपी कट्टा कितने रुपए में मिलेगा, जो डीएपी की एक बोरी आती ना वो, तो जरा देखिए आप। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए फास्फेट युक्त और पोटास युक्त उर्वरकों के लिए 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया में अभी डीएपी की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हमारी सरकार पहले की ही तरह किसानों को 1,350 रुपए प्रति बोरी की दर से डीएपी देना जारी रखेगी। यानी जो बढ़ी हुई कीमतों की राशि होगी वो सरकार सब्सिडी के रूप में किसान भाई लोगों की तरफ से चुका देगी, ऐसा अनुराग ठाकुर का कहना है कि किसानों के हित में सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों के फायदे में यह निर्णय लिया और रबी सीजन के लिए कीमतें क्या क्या रखी गई देखिए आप। अनुराग ठाकुर बताते हैं कि रबी सीजन में नाइट्रोजन के लिए 47 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी तय की गई है। फास्फोरस के लिए 20 रुपए प्रति किलो सब्सिडी, पोटास के लिए 2.38 रुपए प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.80 रुपए प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी इन सब के लिए कुल 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। अब देखिए डीएपी जो है वो आपको पुरानी दर पर ही मिलेगा। मैंने आपको बताया डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, ये खाद की बोरी आती है अलगी येलो येलो कलर में, ये आपको 1,350 रुपए प्रति बोरी ही मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और तरह का खाद आता है एनपीके, इसका मतलब होता है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, ये भी आपको पुरानी दर पर ही 1,470 रुपए प्रति बोरी की कीमत पर ही मिलेगा। ठीक है, तो जो किसान अपनी खेतों की फसलों में खाद देना चाहते हैं उनके लिए राहत की बात यह है कि इस बार भी आपको खाद महंगा नहीं मिलेगा, बल्कि जो पुराने रेट थे उसी पर मिलेगा, क्योंकि महंगाई के रूप में कंपनियों को सब्सिडी चुकाएगी खुद मोदी सरकार, ऐसा। और अभी जो चुनाव वगैरह आ रहे हैं तो हो सकता है चुनाव से पहले भी सरकार ने अच्छा फैसला लिया। खैर, जो भी हो किसानों के लिए तो फायदे की ही बात है। वैसे दोस्तों, आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।